और सच में यार बांदीपुर में ऐसा जगह। इट इज जस्ट बिसाइड द कू टाइगर एरिया। वेरी डेंजरस बिकॉज़ टाइगर्स आर मूविंग। क्या बहुत रिस्की हो जाएगा सुबह कहीं पे टाइगर तो। टाइगर इले रोडल है वो टाइगर टेरिटरी के एकदम उसी एरिया के अंदर पड़ता है। एंड पता चला है कि चार दिन पहले भी यहाँ पे टाइगर मूवमेंट हुआ था। 11 to 4 AM देयर इज नो पावर एंड इट्स अ कंप्लीट डार्क। काफी दिनों से रिसर्च के बाद मुझे ये मिला है। एंड ये थ्रिल अगर फील करना है तो एक रात तो यहाँ पे आके रहना ही है। कालो रंगे देखते हो। आई वांटेड टू कैच एंड ब्लू माय पेट। हेलो ऑल, वेलकम टू क्लिक अटैक। आई एम दीपमाला। आई एम तिली। एंड बिहाइंड द कैमरा देयर इज श्रीवास। सो हाउ आर यू गाइस? भालो, वेरी गुड। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑन जंगल्स ऑफ इंडिया। एंड हम लोग खड़े हैं अभी बांदीपुर में। सो दिस इज एट द बॉर्डर ऑफ बांदीपुर खोर एरिया। एंड दिस इज अ वेरी यूनिक स्टे जिनका डिटेल्स हम लोग दिखाते रहेंगे। बट फिलहाल लेट्स स्टार्ट द जर्नी। कम कम। सो इट इज राइट नाउ 11 AM और हम लोग थोड़ा जा चुके थे। एंड देन श्रीवास को रियलाइज हुआ कि ऑलमोस्ट फुल नहीं है, तो हम लोग अभी इसको फुल टैंकी करके निकल जा रहा है। टिल नाउ वी नो दैट वी आर गोइंग टू बांदीपुर। आज का दिन का बुकिंग हम लोगों ने कर लिया है एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कल का क्या करना है वो रात तक तो कुछ हम लोग डिसाइड कर ही लेंगे। फुल टैंकी कर लिया, अभी चलते हैं बांदीपुर। सो यू कैन रीच बांदीपुर फ्रॉम बैंगलोर वाया कार और यू कैन रीच टू मैसूर वाया ट्रेन एंड देन टेक ए कैब टू रीच बांदीपुर। जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो शिवाज ऑलरेडी पहले से देख के रखा था कि कभी और चलेंगे, लेकिन आज सुबह ही बोलने के बाद ही उसने वो जगह बुक किया। लास्ट फ्यू मंथ्स एक्चुअली आई बीन लुकिंग फॉर अ प्लेस जो बांदीपुर के ये सारे जो जेलर या बांदीपुर गवर्नमेंट रिसोर्ट जो भी है कॉटेजेस फॉरेस्ट कॉटेजेस वो छोड़ के कुछ अलग है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा वायनाड के जो जंगल में हम लोगों ने रहा था दैट वॉज अ वेरी यूनिक ट्री हाउस, बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। ऐसा ही कुछ जगह यहाँ पे है, ये ट्री हाउस नहीं है बट वी विल बी सराउंडेड बाई वाइल्ड एनिमल्स थ्रू आउट द डे। सो दैट्स गोना बी रियली एक्साइटिंग। सो अभी टाइम हो गया है 3:30 ऑलमोस्ट। हम लोग अराउंड 10:30 के आसपास निकले थे। काफी टायरिंग लग रहा है, गर्मी भी बढ़ गया है फेब्रुअरी के लिए। तो मैसूर क्रॉस करके गुंडलपेट क्रॉस करके अभी हम लोग चले हैं बांदीपुर गेट के तरफ। अभी कुछ ही देर में अराउंड 5 मिनट्स पे बांदीपुर का गेट आ जाएगा। किस का है? 20। सो फॉरेस्ट एंट्री के लिए 20 रुपीज़ का टिकट है। तो ये बांदीपुर के कोर एरिया से क्रॉस करते हुए हम लोग जाने वाले हैं। दिस बांदीपुर ट्रिप इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। ऐसे बोल के रखते हैं बांदीपुर इज आवर फेवरेट जंगल, मीन्स मतलब कुछ भी हो जाए हम लोग छोटे छोटे चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बांदीपुर चले आते हैं। हम लोगों ने लेफ्ट एंड अभी सामने है मांगला विलेज। इस एरिया में मेजरली सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउसेज एंड एवरीथिंग इज देयर।
और अभी भी हम लोग को लगने वाला है अनदर 10 टू 12 मिनट्स टू रीच देयर। सो अभी हम लोग जहाँ से जा रहे हैं ना, ये है मंगला विलेज रोड जो कि कोर एरिया के अंदर से है, एंड यहाँ लेपर्ड एंड एलिफेंट का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। डियर्स तो ऐसे भी भरे पड़े हुए चारों तरफ। सो दिस जर्नी इज इटसेल्फ ए सफारी कोर एरिया मोड। डर भी लग रहा है, पता नहीं रास्ते में बाई चांस सामने हाथी फाती आ जाए तो हम लोग बैग भी नहीं कर पाएंगे। सीबा आई फील दैट इट्स नॉट द राइट पाथ यार। रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वी आर लॉस्ट हियर। गूगल मैप के कृपा से हम ऐसे जगह पे फंस चुके थे कि हमारी गाड़ी वहाँ से मूव हो ही नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से गाड़ी को हमें रिवर्स करके एंड फाइनली वी गॉट द मेन रोड जहाँ से ये फार्म स्टे का रास्ता दिख रहा है। तो आप भी ये ध्यान रखना, राइट साइड के ये बोर्ड देख के आपको उसी रूट को लेना है। This is also a mud road and inside the forest, but not that much of dense जहाँ हम लोग फंस चुके थे। तो ये रहा अपना आज के रिजॉर्ट का गेट। So finally we have reached it. Where is our room? That one. Okay, let's go. I was just now ready to open my room. Hmm. You know what happened to in the way? We was going, suddenly we go to the side of the forest in the wrong road. So we are stuck inside that. Finally, our car is broken. Let's go, come see our room. ये बहुत ही सुंदर सा कॉटेज है। अंदर आते हुए सीइंग द डोर आई वॉज लिटल स्केप्टिकल, बट अंदर आते हुए यू कैन सी इट। It's a very basic one, like all the required things are there, mirror, a small TV is there. I don't know who will watch TV inside in such a beautiful place. Anyways, TV is there, your mirror, bed, mosquito oil, everything, and a beautiful balcony. Come here, let me show you the balcony. And such a beautiful balcony is here. So, जहाँ से आप पूरा जंगल का व्यू भी देख सकते हो आप। I'm just waiting for the sunset. मतलब अभी already 4 है, we'll go and finish our lunch. थोड़ा fresh होके आज तो हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। पता नहीं शिवश का क्या plan है, but हम भी नहीं जाएंगे। So we are not going anywhere. सिर्फ यहाँ पे बैठेंगे, chill मारेंगे and we'll enjoy the sound of jungle. We just love that. ये एक cute सा bathroom भी है। इसका भी हैंड वॉश चल रहा है, हाथ में पूरा जंगल का कीचड़, गाड़ी ठीक करते हुए ये सब। सो वी आर क्लीनिंग आवर हैंड्स, वी आर गेटिंग रेडी फॉर लंच। और ये पहुंच गए हम खाने के जगह। चाहे सर खाने में ये तो चिकन दाल सांभर राइस है, चपाती कुरमा। So, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है।
और अभी 4 बजे खाना मिल के और भी अच्छा लगेगा। यार आप 4 बजे का बात कर रहे हो, आप सोचो आप कहाँ बैठ के खाना खाओगे। ये सीट है अपना खाना खाने का, ये जगह है और ये है फॉरेस्ट का फेंच। सो अभी हम खा लेते हैं और कैमरे को फेस करके रखते हैं जंगल के तरफ। आप लोग तब तक देखिए कुछ साइटिंग होता है कि नहीं। अभी थोड़ा फैमिली टाइम बिताते हैं क्योंकि आज का कोई प्लान नहीं है, कहीं जाने का मन नहीं है। और दिस इज माय फेवरेट, इवन माय डॉटर्स फेवरेट एज वेल। सब्सक्राइब क्लिक कर जाएं। सी सी देयर इज अ डियर। चलिए लंच तो कर लिया हम लोगों ने, अब टाइम है थोड़ा प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने का। इस प्रॉपर्टी में 4 ही कॉटेज है, वो है उस तरफ ये, और ये रहा खाने का जगह, दिख रहा है? हाँ ये खाने का जगह है। एंड ये साइड में ना उनका स्टफ क्वार्टर है, और ये रहा बॉनफायर का एरिया। तो बॉनफायर तो अभी नहीं होने वाला है क्योंकि अभी फॉरेस्ट पूरा सूखा पड़ा हुआ है, तो फायर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर बॉनफायर एंजॉय करना है तो बारिश के बाद आना या बारिश के टाइम पे आना। और जंगल का ये व्यू ड्राई है, विजिबिलिटी पूरा है, मतलब काफ़ी एक्साइटिंग जगह है यार। सोच भी नहीं सकते कि बंदीपुर में ऐसा जगह है जंगल के अंदर जहाँ चारों तरफ हर वक्त वाइल्ड एनिमल्स आर देयर। क्या जगह है यार। चलिए वेट करते हैं शाम का, दिखाते हैं। ये जो फार्म स्टे है इसका नाम है अंबुजा फार्म स्टे, और ये मंगला विलेज रोड में पड़ता है जो बंदीपुर के कोर एरिया के बॉर्डर के पास ही है। बुकिंग का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एंड बुकिंग का जो कॉस्ट है वो हमें पड़ाता है अराउंड 6400 इंक्लूडिंग ऑल मील्स। सो फिलहाल अभी रूम पे जाते हैं और बैल्कनी से वाइल्ड लाइफ मूवमेंट का नज़ारा देखते हैं।
Coffee? Yes. This one is yours and actually this one is mine. I was waiting for वेट कर रहे अगर कुछ मिल जाए तो चारों तरफ से एनिमल्स का साउंड आ रहा है. इट्स रियली रियली सुपर थ्रिलिंग. बर्ड है. कौन सा बर्ड है ये? सो अभी हम जो करने वाले हैं वो काफी थ्रिलिंग होने वाला है क्योंकि हम पैदल जाने वाले हैं जंगल की तरफ. तो ये फेंसिंग क्लोज रहता है रात को ताकि कोई वाइल्ड एनिमल अंदर ना आ जाए. तो ये जो फेंसिंग है फेंसिंग के बाहर नहीं जा सकते. सो फेंसिंग के अंदर से ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ स्पॉट करने का. नालक तिना है तो वंदे टाइगर टाइगर इले रोडाली. सो ये बोल रहे चार दिन पहले ही टाइगर यहाँ से चल के गया. ओ माय गॉड. सो ये पहुँच गया हम गेट में. मेरे तो जान निकल जा रहा है. टाइगर हो लल्ला तिरगड़ते हैं. ओ ये टेरिटरी है. ओ माय गॉड. लल्ला तिरगड़ता टाइगर टाइगर एलिफेंट लल्ला इकड़े हिंग लेपर्ड. हाँ एल्ला तिरगड़ता इल्ली भाई साहब. चलो रात को आएंगे फिर से. आफ्टर डिनर वी विल कम. ये रिजॉर्ट जो है वो टाइगर टेरिटरी के एकदम उसी एरिया के अंदर पड़ता है. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली टाइगर टेरिटरी के अंदर बट गेट के बाहर ही टाइगर टेरिटरी स्टार्ट होता है. और चार दिन पहले टाइगर यहाँ से गया था. मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई. खतरनाक है. डिनर के बाद फिर आएंगे एक चक्कर फिर लगाएंगे. क्या है यहाँ पे? देयर इज अ वाटर बॉडी देयर. कैन यू सी इट? देयर इज अ वाटर बॉडी. हां एंड यू सी इज द डियर्स. द आईज आर स्पार्कलिंग. कौन सा है ये वाला? ये इज अ बर्किंग डियर. कैन यू सी द आईज? बर्किंग डियर आर स्पार्कलिंग. I think this is spotted deer, sorry. So this is spotted deers. तीन चार है यहाँ पे. वाटर बॉडी किस साइड है? राइट साइड है. वाटर बॉडी. तो देयर इज अ चांस दैट रात को टाइगर और अदर एनिमल्स आल्सो विल कम हियर. द स्टार्स आर देयर इन द स्काई. सी द स्काई इज सच ब्लैक स्काई. इट इज रेन इज फॉलिंग इन माय डर्ट. Sky is falling. Stars are falling. No, rains are falling in my mouth. So now it's almost 9 PM. तो अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि 11 PM से यहाँ पे पावर कट हो जाता है. तो 11 PM टू नेक्स्ट डे मॉर्निंग कोई कारंट पावर नहीं रहता है. पूरा अंधेरा रहता है. तो उससे पहले ही हम लोग को डिनर विनर सब खत्म करके रेडी रहना है
क्योंकि तब हम लोग सोचे हैं कि हम लोग जाएंगे जंगल में। तो अभी जल्दी से चलिए आगे चाय बढ़ते हैं और डिनर विनर खत्म करके रेडी हो जाते हैं। कम कम दिन नहीं चल डिनर स्पॉटेड डियर कॉल So in this resort for tonight we are the only guest and ये और भी मतलब दूर दूर तक कोई और इंसान नहीं है, सिर्फ हम तीनों और ये दोनों पांच। और ऐसी जगह मतलब शाम को आपने देखा ही होगा एकदम बालकनी के सामने वो फेंच के उस साइड पे डियर आया था रात में, या लेपर्ड या टाइगर का मूवमेंट भी रहता है। तो आज का रात काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो जल्दी खाना खत्म कर लेते हैं, खाने में है बहुत कुछ। दिस इज राइस, जीरा राइस, नॉर्मल राइस, दिस इज सम चटनी और सम सांभर में भी। दिस इज व्हाट इज दिस? पिकल। एंड दिस इज कार्ड। नो चिकन नाउ। दिस इज चिकन। कैसा लग रहा है? अच्छा है, खाना अच्छा है। और पीछे अपने दोस्त भी है, देखना है कौन है। नहीं है, बट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ डीआर भरा हुआ था, वो देखो दिख रहा है। हाँ बैठा है, चल। सो अभी रात का बजा है 11 और जंगल के साइड के सारे लाइट्स ऑफ हो गए। ये साइड का लाइट अभी भी है, थोड़ी देर बाद ये भी बंद हो जाएगा। काफ़ी सारे एनिमल्स भर गए हैं यहाँ पे, बहुत डियर भरा हुआ है। कम कम कम, देयर इज अ डियर, इट्स देयर। आप देख सकते हैं इट्स पिच डार्क एंड इफ यू आर अ जंगल लवर देन बिलीव मी यू शुड कम एंड थोड़ा डर भी लग रहा है, यू शुड कम एंड स्पेंड एटलीस्ट वन नाइट हियर। एंड यहाँ पे ना पूरा जगह पे डियर्स बैठे हुए हैं, कहीं पे भी आप टॉर्च मारो यू कैन सी द ब्लिंकिंग आईज। आई थिंक इट्स अ डियर, दिस अ डियर। It's going. Shh, Dinesh. Wow. Okay. There are many more. और देखते हैं अगर और कुछ मिलता है। आप ये अंधेरा देख लीजिए। टूटा हुआ है, देख दिनी हमारे पीछे नहीं देख। कौन तो close देख दिया रही है। डंडी बच्चा से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है सुबह का 10:30। हम लोग अभी जस्ट सफारी से वापस आए हैं, तो सफारी हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट फिलहाल बता देते हैं यहाँ का बुकिंग कैसे करोगे एंड बुकिंग के लिए कितना चार्जेस है। सो बुकिंग के लिए बेसिकली वी विल गिव द नंबर इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से वो नंबर लेके उनको कॉल कर सकते हो एंड देन यू कैन गेट योर बुकिंग कन्फर्म। बुकिंग के लिए पर कपल इट वाज अराउंड 6,400 इंक्लूडिंग 3 times मील। सो मेरे हिसाब से दिस इज़ क्वाइट बजट फ्रेंडली। एटलीस्ट बंदीपुर एरिया में तो ऐसा मिलना मुश्किल है, और वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पे आप टाइगर टेरिटरी के बाजू में हो, बाय बंदीपुर के कोर एरिया के जस्ट बिसाइड में ही ये रिजॉर्ट है। सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, पूरा दिन वाइल्ड एनिमल रहता है यहाँ पे। सो ऐसा जगह मिलना विद इन दिस बजट अराउंड बंदीपुर इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू कम हियर। एंड यस, बुकिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वहाँ और भी एक्साइटिंग चीज़ें हम दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब, क्लिक द बेल एंड
right now, I'm Dipmala. And Tini. We are signing off for now and we'll come back on next Tuesday with some other episode on Op-Ed India. Tab tak ke liye, stay tuned.